नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड्स परमुटेशंस बी अरेंज इफ द वर्ड्स, फर्स्ट कंडीशन दी है वर्ड्स स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस। ठीक है, तो जो परमुटेशन लेटर था इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर देख लेते हैं कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल लेटर्स जो हैं वो 12 है। ठीक है, और एक से ज़्यादा रिपीटेड कोई लेटर तो उसकी फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, कोई भी लेटर यहाँ पे टी, टी दो बार आ रहा है तो टी की जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 आई है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि वर्ड्स स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस, तो टोटल लेटर 12 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बोला है कि इफ़ द वर्ड्स स्टार्ट्स विद पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड विद एस, तो ये तो दो प्लेस जो है वो फिक्स्ड हो गए। ठीक है, तो इनको अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, पी और एस हमारे यूज हो चुके हैं। ठीक, तो रिमेनिंग लेटर जो बचेंगे, रिमेनिंग लेटर्स वो कितने हैं, 12 टोटल थे, उसमें से 2 यूज़ हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 जो 10 लेटर थे वो रिमेनिंग बचे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्लेस बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इन 10 ही पोजीशन पे हमने 10 लेटर को अरेंज करना है, तो परमुटेशन सिंपल सी है। ठीक है, तो इसमें टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट जो रहेंगे, वो क्या आएंगे, वो रहेंगे 10 की परमुटेशन करनी है 10 प्लेस के लिए, और नीचे हमेशा फ्रिक्वेंसी लिखी जाती है जो एक से ज़्यादा बार रिपीटेड नंबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पी 10 को लिखते हैं सिंपली 10 फैक्टोरियल, और फ्रिक्वेंसी जो थी एक से ज़्यादा बार की थी वो थी 2। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये कट हो जाएंगे, बाकी सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 9 = 90 × 8 = 56 × 6 = 30 × 4 = 12 जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 = 54 9 5 = 45 + 5 = 50, 504 अरेंजमेंट इनके ये आगे 5040 × 36 = 360 ये आगे, और सभी को जब मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो उसका आंसर जो आएगा 18 14 400, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो बोला गया है, इसमें बोला है कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इसमें जो भी वोवल्स यूज हुए हैं वो सभी इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है, तो पहले लेटर को लिख लेते हैं परमुटेशन, ठीक है, तो इसमें वोवल्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांचों वोवल्स इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम लेटर्स बनाएंगे, टोटल 12 लेटर थे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो बोला है कि बोबल्स सारे इकट्ठे आने चाहिए, तो बोबल्स जो थे वो ए भी था इसमें, ई भी था, आई भी था, ओ भी था और यू, तो इनकी पोजीशन तो जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो उसके बाद रिमेनिंग डिजिट कितनी बच गई है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी डिजिट्स बच गई हैं इसमें, 7 डिजिट्स जो हैं वो रिमेनिंग बची हुई हैं। ठीक है, और प्लेसेस भी कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 प्लेस ये थे, और इन सभी को इकट्ठा डाल के एक प्लेस में गिना जाएगा, तो 1 + 7 टोटल प्लेस हो गए हमारे पास, 8 प्लेसेस हो गए। ठीक है, अभी हमने 8 प्लेसेस पे 8 लेटर को ही अरेंज करना है। ठीक है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट जो रहेंगे वो आ गए हैं, 8 प्लेस थे और 8 ही लेटर बचे थे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इन सभी को मिला के एक लेटर दिया गया है। ठीक है, तो 8 को हमने 8 पे करना होता है,
और यहाँ पे लिखनी होती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसको 8 जो होगा 8 फैक्टोरियल के बराबर ही होता है, और नीचे फ्रिक्वेंसी एक से ज़्यादा रिपीटेड लेटर जो था वो टी था, जो कि दो बार आया था, तो उसकी फ्रिक्वेंसी थी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे देखी जाएगी, साथ में इकट्ठा कर देंगे हम सारा ही, कि जो ये वाले 5 लेटर थे, ठीक है, इन 5 वोवल्स को भी 5 तरीकों से अरेंजमेंट करा जा सकता है। तो इसके लिए भी बन जाएगा मल्टीप्लाई 5P5, 5 पोजीशन थी, 5 ही लेटर थे, 5 तरीकों से अरेंज करा जा सकता है, तो मल्टीप्लाई इसको भी यहाँ पे हम 5P5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स में। अभी हमारे पास बचा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5P5 जो होता है वो 5 फैक्टोरियल होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 × 7 × 6 2 × 5 × 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई, ये 2 फैक्टोरियल लिख लिया, × 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, बाकी 8 × 7 = 56 मल्टीप्लाई 6 × 5 = 30 4 × 120 123 × 360 यहाँ तक हो गया, मल्टीप्लाई 5 × 4 = 20 23 × 60 2 × 120 ये आ गया। जब सभी को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो हमारे पास बनेगा 241920 ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब जो इसकी थर्ड कंडीशंस दी गई है, ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, टोटल लेटर वही है परमुटेशंस के, टोटल लेटर्स इक्वल टू 12 थे, ठीक है, टोटल 12 लेटर्स थे इसमें भी। अब हमें क्या करना है कि बोला गया है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं 12 लेटर्स का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। यहाँ पे बोला है अगर यहाँ पे मैं पी रखता हूँ तो उसके बीच में 4 लेटर आने चाहिए पी और एस के बीच में, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एस, ठीक है। अब इनको भी अरेंज करने के अलग अलग भी हो सकते हैं कि पी यहाँ पे शिफ्ट करा तो एस यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे शिफ्ट करा तो यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे शिफ्ट करा तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे शिफ्ट करा ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे शिफ्ट करा ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये फिर यहाँ पे शिफ्ट करा ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो एस और पी के अरेंजमेंट करने के यहाँ पे कितने बेज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पेज में हम पी और एस को भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो पी एंड एस कैन बी प्लेस्ड इन 7 पेज, ठीक है, 7 तरीकों में हम इसको जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अगर उल्टा कर दिया जाए इसका कि एस मैं यहाँ पे ले लूँ पी यहाँ पे ले लूँ तब भी 7 वेज जो होंगी वो पॉसिबल होंगी, ठीक है, अपोजिट ऑफ दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि यहाँ पे एस ले लिया जाए और यहाँ पे पी, तब भी हमारे पास यहाँ पे 7 वेज बन जाएंगी, ठीक है। तो टोटल वेज जो होंगी, टोटल वेज इन बिच P एंड S कैन बी प्लेस्ड, तो S और P को हम कितनी बेज में प्लेस कर सकते हैं, 7 बेज में यहाँ से प्लेस कर सकते थे, और अगर ऐसे यहाँ पे कर दिया जाए P यहाँ पे कर दिया जाए तो 7 बेज तब बन सकती है, तो टोटल 14 बेज पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके बाद भी रिमेनिंग लेटर बचे हुए हैं, रिमेनिंग लेटर कितने बचे हुए हैं, अगर P और S को निकाल दिया जाए तो टोटल 12 लेटर थे, P और S को निकाल दिया मतलब 2 लेटर निकाल दिए गए तो टोटल 10 लेटर बच गए। अब 10 लेटर को भी हम प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है, वो किसके बराबर आएंगे, जो ये 10 लेटर थे इनको 10 तरीकों से 10 प्लेस पे मैं अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर पी और एस को यूज़ कर लिया जाए उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 प्लेस बच रहे हैं, 10 ही लेटर बचे थे, तो 10P10 कर सकता हूँ इसके लिए। और नीचे आएगी फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी एक ही लेटर की थी जो थी टी की, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई,
बाकी हमारे पास एस और पी को जो अरेंज करने के तरीके थे वो कितने थे, 14, 14 तरीकों से उनको हम प्लेस कर सकते थे। तब हम इसी को ही बस सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 10p10 मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 14 करना था। अब 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई क्या था, साथ में 14 और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल था। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, बाकी को ऐड करेंगे। 10 × 9 = 90 और 9 × 8 = 72 और ये 720 बन गया। मल्टीप्लाई 7 × 6 = 42, ये 42 बन गया। मल्टीप्लाई 5 × 4 = 23 = 60 और मल्टीप्लाई 14 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 40, 1600, ठीक है।